Hello, I am Krutu Lan. My qualification is ampere chemistry. I am lecturer in FLIMS. Dear students, in the first lecture, we discuss about the history of science, definition of science, and the different terms used in the science. And in the last slides, we discuss about the relationship between the science and technology. In the lecture number 2, we discuss about the Stone Age through 1599 BC. हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें हम लोग बेसिकली स्टोन एज के बारे में डिस्कस करेंगे कि उस वक्त के जो 1599 में प्रेजेंस लोग उनकी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, उनके लाइफस्टाइल्स को, उनके ड्रेसेस को, उनके फूड को और उनके डिफरेंट एक्टिविटीज़ को. अब जो स्टोन एज है उसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, इट इज द पार्ट ऑफ प्री हिस्ट्री दैट द अर्लीस्ट ह्यूमन लिव्ड थ्रू इज कॉल्ड स्टोन एज. यानी जो स्टोन एज है ये उस वक्त का दौर है जब लोग जो थे ज्यादातर स्टोन्स को ही यूज करते थे फॉर द लिविंग पर्पसेस, डिफरेंट एक्टिविटीज में, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में. और ये उस वक्त की बात है जब फर्स्ट टाइम जो था ह्यूमंस जो थे वो एग्जिस्ट हुए. अब जैसे कि इसके नेम से इंडिकेट है कि स्टोन एज, इट्स मीन जो स्टोन है वो इनके टूल्स में, वो अपने जो स्टोन्स थे वो उनको टूल्स में यूज करते थे, उसे डिफरेंट इक्विपमेंट्स बनाते थे जिससे वो अपनी लाइफ को बेटर कर सकें. इसलिए इसका जो इस इरा का जो नाम है इसे स्टोन का कहा गया क्योंकि इसमें ईच एंड एवरी थिंग जहाँ पे भी उस वहाँ उनके जो हाउसेस थे या फिर उनके डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, ईच एंड एवरी थिंग जो थे वो स्टोन से ही बनी थी. अब स्टूडेंट्स, जो स्टोन एज है उसके बेसिकली 3 पीरियड्स हैं. उसको 3 एरास में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज पेलियोलिथिक, जिसको ओल्ड स्टोन का स्टोन एज का नाम दिया है. इट मीन्स कि ये जो पेलियोलिथिक एरा है ये सबसे पहले जब स्टोन एज स्टार्ट हुआ उसका दौर, तो उस वक्त जो फर्स्ट जो वो ह्यूमंस थे उनको जो उसमें प्रेजेंस थे उसको ओल्ड स्टोन एज का नाम दिया गया. और इसकी अगर हम देखें तो ये अप टू 8000 BC इसकी लिमिट जो होती है वो इतनी है. सेकेंड जो है वो है मीजियोलिथिक, इसको कहा है मीटर स्टोन एज क्योंकि ये ओल्ड स्टोन के बाद वाला ईरा है. और इसका जो स्पेसिफिक इसकी जो लेंथ है वो 8 से 4 BC तक इसका जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन. उसके बाद थर्ड है वो है नियोलिथिक, ये थर्ड टाइप. और उसको कहा गया न्यू, यानी इसका मतलब ये कि इनमें ना ओल्ड में, मिडल और न्यू, इनमें कोई ना कोई ऐसी एडवांसमेंट होती गई है, चेंजेस, कि वो जो उसके अंदर जो उनका लाइफ स्टाइल्स है लोगों का और उनके डिफरेंट फूड सिस्टम, वो सारा जो है वो बेटर होता गया लास्ट. और उसका है उसका टाइम ड्यूरेशन है वो 9th से लेकर 2500 BC. फर्स्ट हम लोगों ने बात की थी पीलियोलिथिक एज, जिसे कहते हैं ओल्ड एज, ओल्ड स्टोन एज. इसमें फर्स्ट स्टोन टूल्स, इट मींस उस वक्त जो टूल्स यूज होते थे वो स्टोन्स के थे पीलियोलिथिक में. और वहां यहाँ पे देखें एग्जाम्पल कोड की हुई है, हैंड एक्स, स्क्रैपर है, ग्राइंडर है, हैमर है और एरो हेड्स. ये जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स टूल्स जो से हैं वो मेड किए गए, उन सब में कहीं ना कहीं स्टोन यूज हुआ है. ये जैसे कि इस डायग्राम में भी देखें, आप नोट करें तो जितनी भी आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं उनमें सब में स्टोन है. कलर चेंज है, उनकी शेप चेंज है, उनके सोर्सेस डिफरेंट होंगे लेकिन होंगे वो स्टोन. नेक्स्ट फूड एंड क्लोथिंग. पीलियोलिथिक में मौजूद जो लोग हैं उनका, उनकी फूड क्या थी, उनके ड्रेसेस क्या थे, वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्या यूज करते थे. तो अगर हम फूड देखें तो वो हंटर एंड फूड गैदर्ड, इट मीन्स के वो ज्यादातर फूड जो वो गेन करते थ्रो शिकारी. और वो फूड गैदर करते थे, इट मीन्स वो अपनी जैसे फूड थी उसको सेव करते थे, स्टोर करते थे. जिस तरह से 1 वीक 2 वीक्स
उनके लिए ये नहीं था कि वो फ्रेशली उसे फूड बोले, यानी उनका जो था ना वो सेव करने का सिस्टम ज्यादा था, और अपने वो बॉडी को कवर करने के लिए लीव्स एंड स्किन्स ऑफ एनिमल्स। उस वक्त नहीं पता था लोगों को कि अपने बॉडी को कवर करने के लिए हम कोई क्लोथ यूज करें, तो वो उनको जो नजर आता वो लीव्स और एनिमल्स की स्किन से ही अपनी बॉडी को कवर करते थे। ट्रीज बास को यूज करते, वेजिटेबल फ्रूट्स एंड मीट। ठीक है, वो जो लकड़ियों की, दरख्तों की जो लकड़ियां थी वो उनको यूज करते थे, उसे डिफरेंट इक्विपमेंट्स या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, और उसको बर्निंग प्रोसेस में भी यूज करते थे। अगर विंटर सीजन था तो उस वक्त अपने आप को वो एक गर्म रखने के लिए वो उसकी दरख्तों की जो लकड़ियां थी वो उनको जलाकर रोशनी भी पैदा करते, अंधेरा अगर होता। और इसके अलावा साथ साथ वो अपने जो टेम्परेचर था वहां का उसको गर्म रखते। इसके अलावा फ्रूट्स और मीट्स जो थे वो इनकी फूड में शामिल है। हाउसेस एंड शेल्टर, यानी अब वो हमने उनकी फूड की बात कर ली, क्लोथिंग की, अब वो अब हमने देखना ही है कि वो रहते कहाँ पे थे। पीलियोलिथिक में प्रेजेंस लो, तीन उनके मेजर थे सोर्सेस। एक था केव्स, यानी वो गारों में रहना पसंद करते थे, अंडर रूफ्स ऑफ द ट्रीज, या तो दरख्तों के नीचे। अब इन दोनों में, केव्स में और ग्रुप्स ऑफ द ट्रीज, यहाँ पे उनकी सेफ्टी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि केव्स होती हैं वो आगे से बिल्कुल इसको, यानी ओपन सिस्टम है उसका, वहां से कोई भी और ऑर्गेनिज्म भी वहां पे मूव कर सकता है एनिमल्स। और जो ट्रीज की अगर हम बात करें तो उसका भी कोई खास शेल्टर नहीं है ना उसकी वहां पे सेफ्टी है। तो उसके बाद पिरोलिथिक में ही प्रेजेंस लोग, उन्होंने सोचा कि अगर हम, यानी अब सेफ्टी करना चाहते हैं, तो उन्होंने फिर ये हर्ट्स की तरफ उनका ध्यान गया, और उन्होंने फिर बकायदा झुंडे बनाने शुरू कर दी ताकि वो अपने आप को किसी भी और एनिमल से या किसी भी और ऑर्गेनिज्म से महफूज करने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने फिर वो झोंपड़े बनाने शुरू कर दी। अब क्योंकि वो बिल्कुल एक उनके पास सेफ एरिया, सेफ जो था वो उनके पास शेल्टर बन गया, तो इस तरह से। लेकिन केव्स और जो है ग्रुप्स वगैरह, ये इनमें इनकी सेफ्टी कम थी, फिर बाद में जो हर्ष उनमें उनकी सेफ्टी ज्यादा हो गई। अदर एक्टिव, नेक्स्ट इज अदर एक्टिविटीज के। पीलियोलिथिक में लोगों की क्या होती थी इसके अलावा और एक्टिविटीज, उसमें है फायर इन्वेंटेड। उन्होंने देखा कि फायर यानी आग का है वो किस तरह से हम लोग जला सकते हैं, और उसमें यूज उन्होंने जो किए वो स्टोन ही किए थे, क्योंकि स्टोन हम एज पढ़ रहे हैं, तो इसमें जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो स्टोन हैं। और सेकेंड है रॉक पेंटिंग एंड कार्विंग। इट्स मीन उन्होंने पेंटिंग का तो पेंटिंग का तो उन्हें इल्म था, और उन्होंने जो पेंटिंग्स थी वहां पर रॉक्स पर की, ना तो वहां पे कोई उस वक्त पेपर्स वगैरह यूज किए जाते थे जहाँ पे वो प्रॉपर पेंटिंग कर सके, ना इतने डिफरेंट कलर्स थे, कलर्स भी लिमिटेड थे। और उन्हें पेंटिंग भी किस पे की, रॉक्स पर, उसी पे ही उसको, यानी उसकी डेकोरेशन और वो सब कुछ उसी पे ही रिप्रेजेंट था उनका। कुक फूड, और वो जो जितनी भी फूड यूज करते थे वो सारी पकाई हुई यूज करते थे, यानी इस तरह से नहीं कि जिस तरह से मीट है वो उठाया और वैसे ही उन्होंने कच्चा खा लिया, नहीं, उसको बकायदा पकाकर यूज करते थे। आगे है नेक्स्ट, लास्ट वन इज लीव इन अ स्मॉल ग्रुप्स। और उस वक्त के लोग जो थे वो डिफरेंट ग्रुप्स में थे, और हर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से यानी डिस्टेंस पर था, और स्मॉल एरियाज में वो थे ग्रुप्स। जिस तरह से पहले जमाने में ये कंसेप्ट था ना डिफरेंट कबीले, तो उस वक्त भी यही था कि वो छोटे छोटे ग्रुप्स होते थे, हर एक कबीले का जितना एक सरदार था वो भी एक, यानी मेंबर जो उनसे थे वो एक एक ग्रुप्स के उनसे थे, जैसे हेड मेंबर है, उस तरह से होते थे। हमारा जो फर्स्ट पढ़ा था हम लोगों ने पीलियोलिथिक एज, ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया। अब हम जो सेकंड पढ़ रहे हैं वो है मेसोलिथिक एज, जिसे हम कहते हैं मिडल एज एरा। और उस वक्त जो स्टोन टूल्स यूज किए जाते थे मेसोलिथिक में, कौन कौन से हैं, ब्लेड, नाइव्स, ट्राइंगल्स, बोन्स एंड डैगर्स। अब ब्लेड्स, नाइव्स, इन सब में जो डिफरेंस है पिलोलिथिक की निस्बत वो ये कि शार्प, यानी उनकी निस्बत क्या थे, शार्प थे, और इनकी जो माइक्रो लेवल पे भी यूज की, उनकी उनकी अपेयरेंस जो थी वो भी, यानी इनमें सब में, जैसे कि स्टेकहिस्ट डायग्राम में इनके जो आगे से पॉइंट है वो कितने ज्यादा नुकीले हैं, इट मीन्स कि उनकी जो शार्पनेस थी वो इंक्रीज हुई इंस्ट्रूमेंट की। हाँ
अपीयरेंस भी चेंज हुई, और इसके देखिए डिफरेंट टाइप्स, ये सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है इसमें बेसिकली यूज स्टोन हुआ है, उसी की डिफरेंट शेप्स को उन्होंने कर दी है। अब ये तमाम इनका सोर्सेस तो वही है जो पीरियड ठीक है, लेकिन उसकी निस्बत इनके अंदर जो बेसिकली चेंजेस आई है उनकी लोकेशन की, उनके साइज की, और इसमें बोन्स देखें जितना लिखा हुआ है, बोन्स है, शेप्स और ट्राइंगल्स, ये जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको वो स्टोन टूल्स में उन्होंने शामिल। नेक्स्ट इज फूड एंड क्लोथिंग, के मेसोलिथिक में मौजूद लोग उनकी खुराक क्या थी, उनकी ड्रेसेस क्या थे, तो उसमें है कि स्मॉल एनिमल्स हंटेड, वो अपनी फूड के लिए स्मॉल एनिमल्स को यूज करते थे, उनका शिकार करते थे, और ये भी पेलिथिक की तरह से फूड को क्या करते थे, स्टोर करते थे। वाइल्ड फूड्स हनी कलेक्टेड, और जाहिर है वहां पे उस वक्त जो कुदरती इन्वायरमेंट में प्रेजेंट चीजें थी उन्हीं को यूज करते थे, और उसमें है वाइल्ड रूट, जड़ी बूटियां भी यूज करते थे, और हनी कलेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और वहां पर मेसोलिथिक में जो लोग थे वो जानवरों को भी पालते थे, जिस तरह से ये बकरियां हो गई, गायें हैं, भेड़े हैं, ठीक है, इन सबको वो क्या करते थे अपने, यानी वो जिस तरह से जैसे देखें इस पिक्चर में डिफरेंट एनिमल्स आपको नजर आ रहे हैं, साथ में वो ह्यूमन बींग्स हैं, तो इस तरह से ही अपने अपने यानी कबायल के जो लोग होते थे वो उनके पास अपनी ही होते थे ये एनिमल जिनको वो पालते थे। लास्ट वन इज स्वीट स्किन क्लॉथ, इट मीन्स उनके जो ड्रेसेस थे वो सीधे हुए थे, स्पाइक किए हुए थे, वो भी एनिमल्स के ही बने, एनिमल्स की स्किन के बने हुए, लेकिन वो उनको प्रॉपर सिलाई करके अपने बॉडी पार्ट्स को कवर करते थे। हाँ जी, नेक्स्ट इज रिलीजन एंड द अदर एक्टिविटीज, मेसोलिथिक में लोगों की क्या रिलीजन था उनका, और उनकी एक्टिविटीज कौन सी थी जो अपनी वो लाइफ को बिजी करने के लिए यूज करते थे। इसमें फर्स्ट वन इज फेसिंग टूवर्ड्स द वेस्ट एंड ईस्ट, इट मीन्स उस वक्त के लोगों को इस चीज का इलम था कि जो डायरेक्शंस हैं वो वेस्ट और ईस्ट की किधर है, अगर वो ईस्ट की तरफ अगर मूव करते तो उन यानी अगर ईस्ट पे कोई ज्यादा सर्दी का सीजन आ गया, या अगर वो ज्यादातर गर्मी में रहने के आदी थे तो वेस्ट की तरफ मूव करते, ताकि वहां पे जाकर वहां का जो टेम्परेचर था वो उनके टॉलरेट के मुताबिक था। नेक्स्ट इज पेंटिंग पोएट्री, यहाँ पे उन्होंने जो उनके पास बर्तन थे उसके ऊपर उन्होंने बकायदा पेंटिंग बनानी शुरू कर दी, रॉक्स पर नहीं की बल्कि उन जहाँ पे जो उस वक्त जो बर्तन थे उस वहां पर उन्होंने उसके बाद उसको डेकोरेट करना शुरू कर दिया, डिफरेंट शेप से, डिफरेंट कलर से, वहां पे पेंटिंग से, यानी एक दूसरे डिफरेंस जो वहां बर्तन थे उनमें नजर आया। नेक्स्ट इज हट डेकोरेशन, फिर उसने उन्होंने अपने घरों को भी सजाना शुरू कर दिया, यानी इसका मतलब उनके अंदर आर्ट जो थी ना वो ज्यादा थी पीरियोलिथिक की नस्बत। सोइंग सीड्स, और फिर उन्होंने खुद जो था वो सीड्स को ग्रो करवाने लगे, ताकि अब वो वेजिटेबल्स हैं जो भी वट एवर जो उन्होंने ईट करना है वो खुद उगाते स्पेसिफिक पार्ट पर, और फिर वो खुद ही ईट करते। इन्वेंटेड नीडल्स, और जैसे कि हमने क्लोथ की बात की है कि वो स्विंग यानी सिलाई किए हुए कपड़े पहने, इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट था ना जिससे वो सिलाई करते थे, तो उसमें है नीडल्स, उन्होंने इस तरह की नीडल्स बनाई जिससे वो अपने ड्रेसेस को उम्दा तरीके से वो सिलाई करते और फिर उसके बॉडी पार्ट्स को कवर करते। लास्ट वन इज मेकिंग बास्केट्स, फिर उन्होंने बास्केट्स बनाई ताकि उसमें चीजें यानी स्टोर रख सकें प्रॉपर तरीके से, ठीक है, अपने जिस तरह अब हम लोग क्या करते हैं बास्केट्स में डिफरेंट चीजों को रखते हैं ताकि वो सिमटी रहें, इस तरह से ही वहां पर मेसोलिथिक में जो लोग थे उन्होंने बास्केट्स जो थे वो बनाना शुरू की, ताकि उनका जो सिस्टम है घर का या बाहर आने जाने का वो उनका प्रॉपर हो लगे। इन द स्लाइड्स देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक टूल्स, स्टार्ट में जो टूल्स की बात की थी तो उसमें जो मेन डिफरेंस इन दोनों इरा में है वो ये कि जो पैलियोलिथिक के जो टूल्स थे बहुत ही रफ थे, इन उनकी जो ऊपर की लेयर थी वो बिल्कुल गैर हमवार थी, और साइज में क्या थे, बड़े थे, ट्राइंगल्स
यानी जहां से वो सोर्स उनका था स्टोन्स का, वो वैसे ही उसको स्टोन्स को लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं, यानी उसको प्योर नहीं करते और अनपॉलिश्ड। और उनकी जो प्लेयर थी वो भी यानी अट्रैक्टिव नहीं थी, अनपॉलिश्ड ही यूज की करते थे वो इंस्ट्रूमेंट। लेकिन जो मेसोलिथिकोस थे पॉलिश्ड भी थे और माइक्रोलिथिक, उनका जो साइज था इंस्ट्रूमेंट का वो भी छोटा था। अब देखे ना, जो चीज जितनी ज्यादा बड़ी होती है उसका एरिया भी ज्यादा होगा उसको रखने में, उसको उठाने में। जाहिर स्टोन स्टोन हल्के नहीं होते, बहुत वजनी होते। अब जब आपने इंस्ट्रूमेंट ही स्टोन का बनाया और वो साइज भी बड़ा, तो उसको यूज करने में क्या है, मुश्किल है, तो डिफिकल्टी फेस होती है। लेकिन जब आप उसी इंस्ट्रूमेंट को, यानी वर्क सेम है लेकिन साइज स्मॉल है, तो जो इसका साइज स्मॉल है उसको आप यूज करेंगे तो वर्क तो उतना ही, उसने वर्क तो आपका वही रहेगा, लेकिन आपको क्या होगा उसको यूज करने में कोई डिफिकल्टी पेश नहीं आएगी। और इसके अलावा ये इंस्ट्रूमेंट के हैं पॉलिश्ड भी हैं। लास्ट जो हमारा है इरा स्टोन एज का, वो है न्यूलिथिक एज। ठीक है, न्यूलिथिक इसको हम कहते हैं न्यू स्टोन एज। और इसमें उन दोनों की निस्बत जो एडवांसमेंट है या डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो, और यानी वहाँ के जो लोग थे उनके जो जितने भी लाइफस्टाइल फूड, उनसे थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये जो उनका जो प्रॉपर्टीज हैं वो आजकल के लोगों में भी मौजूद हैं। स्टोन टूल्स में है पॉलिश्ड एक्सेस हैं, ब्लेड्स है, प्लाव है, मोलर है और रिंग स्टोन्स। अब जिसमें जो रिंग स्टोन्स है और जो इसमें मोलर है, उसमें ना चीजें जिस तरह से एक प्लेट चिपटी टाइप होती है सिलसिली, उस तरह से इसमें इंक्लूड होती है। और इसमें जो रिंग स्टोन है, इट मीन्स यहाँ पर जो वहाँ की जो वुमेन्स थी वो कोई ज्वेलरी तो नहीं थी उस वक्त ना, उनको गोल्ड का उतना पता था, लेकिन वहाँ पे जो रिंग्स थी वो स्टोन से थी, क्योंकि वो स्टोन का एरा है। और वहाँ पे जितनी भी इक्विपमेंट्स थे, तो ज़ार जितनी भी ज्वेलरी अगर वहाँ की खवातीन पहनती थी तो वो स्टोन की ही थी। नेक्स्ट रिलीजियन, के नियोलिथिक में मौजूद लोगों का रिलीजियन क्या था, उनका कीदा क्या था। सीम्स एंसेस्ट्रल वर्शिप, इट मीन्स के वो उनके जिस तरह से उनके पेरेंट्स जिस चीज पे बिलीव करते थे वही आगे नियोलिथिक में मौजूद लोगों का अकीदा था, यानी वो भी उन चीजों की ही पैरवी करते थे। बिलीव द लाइफ आफ्टर द डेथ, इट मीन्स के उनका ये मानना था कि मरने के बाद भी इंसान की एक जिंदगी होती है, यानी दोबारा यानी एक जिंदगी होती है, लाइफ जो होती है वो एग्जिस्ट करती है। थर्ड वन इज स्टोन वर्शिप। हम वैसे भी स्टोन को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो वो जो वर्शिप थी उनकी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की थी, सच एज स्टोन, सन, ट्री एंड वाटर। क्योंकि ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि ह्यूमन मेड नहीं है, ना ही इंसान को बना सकता है। जिस तरह देखें सन है, ट्रीज, वाटर, ये कुदरती है सारे ऑब्जेक्ट्स। तो वो उनके ख्याल में ये था कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनके पीछे कोई ऐसी पावर है जिसने इन सबको क्या किया, क्रिएट किया। तो वो इसलिए इन चीजों की क्या करते थे, वर्शिप करते थे। और ह्यूमंस एंड एनिमल सेक्रीफाइस, और इसके अलावा वहां पर एनिमल्स की और ह्यूमंस की कुर्बानी का भी था, वो उनको भी अपने जो से थे जिसे हम कहते हैं वर्शिप या देवताओं वगैरह की, उनके आगे कुर्बान करते थे, इनकी कुर्बानी करते थे। नेक्स्ट इज फूड एंड ड्रेसेस, के मेसोलिथिक में लोगों की फूड क्या थी और उनके जो ड्रेसेस थे अपने बॉडी पार्ट्स को कवर करने के लिए वो कौन कौन सी, किस किस्म के थे। तो फूड में अब देखें, अब वीट, बार्ले, फिश, राइस, हनी, ये तमाम चीजें जो मेसोलिथिक एंड प्यूलिथिक में नहीं थी, लेकिन जब लोगों ने देखा कि वैरायटी ऑफ थिंग्स हैं ईट करने के लिए, तो फिर उन्होंने वीट को और बार्ले फिश को खाना शुरू किया। फिर क्लॉथ, कॉटन, अब यहाँ पर ना तो वो लीव्स यूज करते थे और ना ही स्किन ऑफ एनिमल्स, बल्कि यहाँ पर कॉटन के जो क्लॉथ थे वो यूज कर रहे थे प्रॉपर, यानी सिलाई करके अपने बॉडी पार्ट्स को कवर करते थे। और वूल्स ऑफ एनिमल्स, विंटर सीजन में वो अपने अपने आप को सर्दी से महफूज करने के लिए वूल यूज करते थे एनिमल्स की, क्योंकि वो इंसुलेटर होती है, वो जो वूल है वो सर्दी से क्या करती है, इंसान को वो यानी प्रोटेक्ट करती है, इस वजह से वो एनिमल्स की वूल यूज करते थे। हेयर स्टाइल्स, हेयर स्टाइल की जो ये बात है यहाँ पर, यानी उन्हें अपने आप को यानी ग्रूम करने किया, अपने आप की जो पर्सनैलिटी थी उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने डिफरेंट हेयर स्टाइल को किया फॉलो।
कुक फूड, यहाँ पे भी जो फूड, जिस तरह से हम लोगों ने मीसोलिथिक में देखा कि वहां पे भी जो फूड थी वो कच्ची यूज नहीं करते थे, बल्कि अगर मीट लिया है तो उसको प्रॉपर तरीके से पकाकर फिर यूज करते थे। यहाँ पर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इट मीन्स वो एनिमल्स जो वो पालते थे उसी का ही, यानी वो मिल्क यूज करते थे, और मिल्क से बनी हुई प्रोडक्ट्स जिस तरह से बटर है, घी, कुकिंग ऑयल, या इस तरह से उन्होंने वो चीजें यूज की। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन, कि न्यूलिथिक लोगों को अपने आप को, यानी उनका अदर एक्टिविटीज जिस तरह से फूड है या शेल्टर वगैरह, उनका क्या ऑक्यूपेशन था कि वो अपने आप को बिजी रखने के लिए, तो उसमें है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी वो एनिमल्स को अपने पास के लिए उनको पालते थे, जिस तरह से डोव, शीप, गोट, डियर एंड हॉर्स, ये तमाम ऐसी हैं एनिमल्स जो जिनकी वो क्या करते थे, हिफाजत करते थे और अपने पास, और ये उनके पास ज्यादा मिकदार होती थी, जिस तरह से डोग है, शीप। आगे है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, के कौन से प्लांट्स वो खुद ग्रो करवाते थे और किन पर्पसेस के लिए यूज करते थे, इसमें राइस है, बार्ले और वीट। अदर आर्ट्स, जिस तरह से वहां पर डिफरेंट बर्तन पे पेंटिंग्स की गई थी, पोट्री पर या फिर वो रॉक्स पे पेंटिंग की गई थी, तो आर्ट का जो कंसेप्ट है वो जैसे ही जब से इंसान पैदा उसके उस वक्त से ही था आर्ट का, लेकिन उनके अंदर चेंजेस का जो था वो फिनोमेना कंटिन्यू रहा। अब जो न्योलिथिक में प्रेजेंस लोग थे उन्होंने आर्ट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा काम किया। फर्स्ट में है इन्वेंशन ऑफ व्हील्स, उन्होंने व्हील्स को जो था वो इन्वेंट किया ताकि जो डिस्टेंस कवर करने के लिए उनको कोई डिफिकल्टी पेश ना आए, क्योंकि वी नो दैट व्हील्स आर स्फेरिकल्स, देन मूवमेंट जो वो मूवमेंट करने में क्या होती है, कोई डिफिकल्टी पेश नहीं आती। अगर आपने कोई हैवी ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से उस जगह लेकर जाना है तो उसके लिए अगर आप व्हील यूज करेंगे तो एक तो वो इजीली भी मूव करेगा और आपका डिस्टेंस भी जल्दी से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज वैरायटी ऑफ पॉट्स, जो बर्तन थे वो भी क्या थे, वैरायटी में थे, क्योंकि जब डिफरेंट शेप्स की और जिस तरह से आप उसके साइज, जब साइज भी डिफरेंट होते गए और शेप्स भी, तो फिर उनके जो से पॉट्स थे उनमें वैरायटी पैदा हुई। थर्ड वन इज हट डेकोरेशन, क्योंकि पेंटिंग का तो उनके पास, पेंटिंग की तो थी उनके पास नॉलेज उनको, तो फिर उन्होंने अपने हट्स को, अपने झोपड़ियों को सजाना शुरू किया, और ये जो डेकोरेशन है जो मेसोलिथिक में प्रेजेंस लोग उनसे डिफरेंट हो गए, उससे एडवांस हो गए। फिर डिफरेंस उन दोनों में होगा वॉल पेंटिंग, यहाँ पर जो पेंटिंग करते थे वो दीवारों पर बकायदा की जाती थी। पेंटिंग के लिए डिफरेंट कलर, जिस तरह से देखिए इंस्टाग्राम में भी कुछ पेंटिंग शो की हुई है, और जो ऊपर है उसमें भी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो से वो दिखाए हुए हैं। ऑर्नामेंट्स मेकिंग, और उन्हें अपने घरों में रखने के लिए डिफरेंट सजावटी अशिया पैदा की, ताकि वो जो से वो जाहिर है जब कोई चीज़ आपके घर में डेकोरेशन कोई चीज़ हो तो वो आने वाले को क्या अट्रैक्टिव लगती है, तो वहां पे जो ऑर्नामेंट्स यूज किए गए वो भी स्टोन्स के ही बने थे और उसमें भी बकायदा आर्ट की गई। नेक्स्ट मेकिंग कार्ड, और डिफरेंट किस्म के जो से थे वहां पे उस वक्त जो से वो झूले बनाए गए। मेकिंग ऑफ फाइन पोट्री विद अ डिजाइन, और यहाँ पर न्यू न्यू डिजाइन उन्होंने इन्वेंट किए और उसी के थ्रू जो से थे वो पोट्री पर उन्होंने डिफरेंट शेप्स के थ्रू डिफरेंट कलर्स यूज करते हुए पे ट्राइंग की। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, थैंक यू।